अभी तक हमको 112 नंबर मिले हैं हाईएस्ट जी सर है। क्या बाल विकास वास्तव में परेशान करने वाली थी जो 30 नंबर की आती है? हाँ, बात टफ बन रहा है। कितना सर आपने पेपर दिया, कैसा लगा पेपर? सबसे पहले पेपर थोड़ा हार्ड था, थोड़ा सा हार्ड। कितने नंबर बने सर आपके? कम रहेगा, 92 नंबर। अच्छा, कम रहेगा इनके 92 नंबर, लेकिन खुशी होनी चाहिए कि आपने क्वालिफाई कर लिया है। पेपर जिस प्रकार से कठिन आ रहा है उस प्रकार से आपके काफी अच्छे मार्क्स है जी सर। किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे जरा सर आइए आप लोगों के क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत अच्छा पेपर था, ठीक है। और जैसे ही आप क्वेश्चन आएंगे आप जी, आपने इंग्लिश पैटर्न कैसा था सर? नहीं, इंग्लिश मेरा था। आपने संस्कृत लिया होगा, फिर संस्कृत में कैसा आया था सर? संस्कृत कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन ग्रामर के थे, प्रत्यय थे, एक रचना थी महावास की रचना थी, मतलब जी सर। उसमें पता नहीं क्या था, और उसमें सब तरह मतलब ज्यादातर ग्रामर से, अब की बार मतलब जी पहले ग्रामर से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, अब ग्रामर से क्वेश्चन आने लगे। 7 से 8 क्वेश्चन ग्रामर से होंगे आराम से जी। और पैसेंजर पोएट्री कितनी आई? नहीं, पोएट्री मेरे इंग्लिश थोड़ी ना था, कठिन नहीं था। पेपर क्वेश्चन बहुत सारे गलत थे, और मैथ्स में भी गलत थे, और हिंदी में तो पैराग्राफ जो दिया था उसमें पैराग्राफ में वो क्वेश्चन ही नहीं, मतलब आंसर ही नहीं था और क्वेश्चन दे दिया था। अच्छा, कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई है? कुछ प्रॉब्लम मतलब ऐसे 15 नंबर के क्वेश्चन गलत। पेपर टफ है, पेडागोजी सबसे टफ है। अच्छा, पेडागोजी सबसे। अगर कुछ लोग पूछ, मैट्रिक का कितना पार्ट आया था? मैथ ज्यादा टफ नहीं है, मैथ मेरे को तो सिंपल लगा, मतलब मैथ थोड़ा सा टफ आया था, पेडागोजी उसमें ज्यादा दी गई थी, और नॉर्मल जो सिलेबस में होना चाहिए मतलब अंक गणित बोलते उसे, अर्थमेटिक बिल्कुल भी नहीं आया था। और प्रॉफिट लॉस से कोई क्वेश्चन आए थे जी? प्रॉफिट लॉस से अगर बात करें बाल विकास की, तो वहाँ कैसे क्वेश्चन आया? विकास ठीक आया था, बाल विकास टफ नहीं था। बाल विकास आपके कितने नंबर बने 30 में से? मेरा 92 92 नंबर। हाँ, बाल विकास में 18 नंबर है, काफी अच्छा स्कोर है मैम का। और जी मैम, आपने भाषा वन में क्या लिया था? भाषा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, और भाषा टू में इंग्लिश। इंग्लिश ली थी। इंग्लिश में मैम कौन कौन से पैटर्न पर क्वेश्चन आए थे जरा बताइए? इंग्लिश पैसे आया था, एक पैसे आया था, उसमें पैसे बॉयस भी आया था, नरेशन भी आए थे, मतलब ग्रामर अच्छी आई थी, ग्रामर भी आई हुई थी। जब अगर बात करूं पैसेज पर कितने क्वेश्चन थे? पैसेज पे एक क्वेश्चन था, केवल एक पैसेज था, एक क्वेश्चन था। अच्छा, और मैम पोएट्री पर कोई क्वेश्चन आए हुए थे? नो। अच्छा, मतलब अच्छी खासी ग्रामर आई हुई है इस बार जी। थैंक यू मैम। मैम के 92 मार्क्स है, मैम ने कट ऑफ का क्वालिफाई कर लिया, बस मैम को इंतजार है जी सर। पेपर हो गया आपका, सबसे पहले नाम और नंबर बताइए। मेरे कविता। कितने नंबर? मेरे 73। 73 नंबर जी, हमें इधर आ जाए जी जी सर को जी। मैम आप सबसे पहले ये बताइए कहाँ पर परेशान किए क्वेश्चन? वो बाल विकास में, मैथ में। अच्छा, बाल विकास जी, बिल्कुल सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाली चीज है आपकी बाल विकास और मैथ है, ठीक। पैडागोजी परेशान की होगी? पैडागोजी बिल्कुल। मैथ जब जो पैडागोजी होती है वो आपकी व्यावहारिक होती है, तो आप जी हम थैंक यू मैम जी, आपकी जो पैडागोजी होती है आपकी वो काफी खतरनाक होती है। हाँ जी सर, जी सर, ये हमारे मित्र ही हैं बिजापुर से जी सर, बताइए कौन कौन से क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन तो ये था कि पाश्चात्य लोगों को कौन सा भारतीय खाना सबसे ज्यादा पसंद आता है? अच्छा, ये कहाँ से था सर? ये था हिंदी से। अच्छा, हिंदी में। हिंदी नहीं सर, आप मैथमेटिक्स से क्वेश्चन बताइए। मैथमेटिक्स में थे आपके, एक तो समीकरण बेस्ड क्वेश्चन थे, मध्य का निकालने के लिए आया था, माध्य निकालने के लिए आया था जी सर, और आपके जो क्वेश्चन वो मैथमेटिकल पेडागोजी से भी संबंधित क्वेश्चन थे। अच्छा अच्छा, बहुलक निकालने के लिए आया था जी सर। और मैं बात करूँ सर